ये राजवंशियों की समस्या है, इसे राजवंशियों को ही हल करने दीजिए। आप दोनों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, अब राजकुमार जगतराज को कौन छुड़ाएगा? महाराज भी बाहर हैं और अन्य राजकुमार भी, और हमारी अधिकांश सेनाएं उन्हीं के साथ गई हुई हैं। जो शेष हैं वो महल और राज्य की सीमाओं पर तैनात हैं, और जब तक महाराज का आदेश ना हो उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। मैंने संदेशा महाराज तक पहुंचा दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा पुत्र मुगलों की कैद में है और कोई कुछ नहीं करेगा। अगर युद्ध नहीं कर सकते तो वार्ता कीजिए, संधि कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हमें हमारा पुत्र चाहिए। पूरे खानिक मजा हुआ योद्धा है रानी सा, वो जानता है कि इस समय बाजी उसके हाथ में है। वो राजकुमार को सरलता से नहीं छोड़ेगा। हमारे खजाने भरे हुए हैं मंत्री जी, संतान खो गई तो ये संपत्ति किस काम की रह जाएगी? हमें मूल्य की परवाह नहीं है मंत्री जी, हमें मात्र अपना पुत्र चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ रानी सा, मगर महाराज के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी ही होगी। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे, न स्वयं चैन से बैठेंगे, न शत्रुओं को बैठने देंगे। आपने मेरी नियति तो लिख दी, पर उसे पूरा करने के लिए समय बहुत कम दिया। आपके आशीर्वाद से जितने युद्ध लड़े सब जीते, पर अभी कई युद्ध लड़ने बाकी है। ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, अभी तक ये देश जंजीरों से बंधा हुआ है। कुछ जंजीरें जो बाहर वालों ने बांध दी है, और कुछ हमने स्वयं गरीबी, शोषण, अशिक्षा और अंधविश्वास की जंजीर। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो जाते, मुगल रहे या ना रहे, देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। जिस सुनहरे स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, वो इन जंजीरों के कटने के बाद ही पूरा होगा। अंधेरा कम हुआ है प्रभु, समाप्त नहीं हुआ। शक्ति दीजिए ताकि इसे मैं समाप्त कर सकूं। दीप है वनवास में और बाती बिरहन सी खड़ी, अंधियारे के द्वार पर है रोशनी गिरवी पड़ी। दीप आए जब तलक ना यामिनी को मैं छलूंगा, मोल हो नीच प्राण चाहे दीप बनकर मैं जलूंगा। मैं जला तो संग मेरे हर एक दीप को जलना पड़ेगा, स्वराज पथ पर संग मेरे पूरे देश को चलना पड़ेगा। नहीं मानोगी, हम तुम्हें राजकुमार जगत राज के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने देंगे। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किसका चेहरा देखेंगे। अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा, फर्ज हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। कौन से फर्ज की बात कर रही हो मस्तानी? तुम उनके लिए अपनी जान खतरे में डालने जा रही हो जिन्होंने कभी तुम्हें अपनी बहन तक नहीं समझा।
इस परिवार ने हमें अपना नहीं समझा तो क्या हो? हम इस परिवार को अपना समझते हैं। अब हम उन्हें बताएंगे कि भले ही उन्होंने हमारी अम्मी से हमेशा नफरत की हो, पर हमारी अम्मी ने हमेशा हमें उनसे मोहब्बत करना सिखाया है। हम भाईसा की बहन ना सही, पर वो तो हमारे भाई है ना। उनमें और हमें बस यही एक फर्क है। एक और फर्क है मस्तानी, मजहब का। उनकी माँ हिंदू है और तुम्हारी माँ मुसलमान, इसीलिए तो महाराज की जायज औलाद होते हुए भी तुम्हारे साथ हमेशा बदसलूकी हुई, हमेशा नाजायजों जैसा सलूक किया गया। रानी सा के कहने पर जनान खाने में हमसे हमेशा दूरी रखी गई। हमें हमें फर्ज तो मिला, लेकिन लेकिन कभी हक नहीं मिला। हम फर्जी तो निभाने जा रहे हैं ना अम्मी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो मस्तानी? तुम भलाई करने जा रही हो, लेकिन उसे भलाई नहीं समझा जाएगा, उसे बगावत समझा जाएगा, बगावत। लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ये ना कभी हमने सोचा है और ना ही सोचेंगे। हमें दुनिया की नहीं, खुदा की परवाह है। कयामत से जब रोज इंसाफ होगा, तब हम पर ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि मस्तानी ने हक तो मांग लिया पर फर्ज पूरा नहीं किया। लेकिन अम्मी, ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं, हमारी देश की। जो मुगल पिताजी के नाम से कांप उठते थे, आज वो इतने गुस्ताख हो गए कि उनके बेटे को कैद कर लिया। हम पिताजी के नाम पर दाग नहीं लगने देंगे। हम मुगलों को दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की तलवारों को अभी तक जंग नहीं लगा है। भाई साहब को हम वापस लेकर आएंगे। ये मिट्टी हमारी है। मुगलों को ये बात याद दिलाने का वक्त आ गया है। आपके लिए हमारी किसी भी आज्ञा का कोई महत्व है कि नहीं? अवश्य है साहिब। बताइए, मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया? आपने कहा मंदिर जाओ, मैं मंदिर गया। आपने कहा कि भट्ट जी को भोग की सामग्री देकर आओ, मैंने वो भी किया। और भट्ट जी का अपमान, वो भी आपने हमारे ही कहने पर किया? नहीं आई साहिब, भट्ट जी का मैंने कोई अपमान नहीं किया। आते ही मैंने उनको सम्मान दिया और जाते समय भी। राऊ, आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने फिर परंपरा तोड़ी। नहीं आई साहब, इन्होंने मात्र एक कन्या की रक्षा की है और कुछ भी नहीं। आशी भाई, हमें लगा था आपके साथ रहकर राऊ सुधर जाएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रहकर आप बिगड़ती जा रही हैं। आपने सिर्फ भट्टी का अपमान नहीं किया है, आपने देवताओं का भी अपमान किया है। नहीं आई साहिब, मैंने देवताओं को भी वहां पहुंचते ही प्रणाम किया और वहां से आते समय भी। राऊ, परंपरा मजाक नहीं होती। और एक कन्या का जीवन भी मजाक नहीं होता आई साहिब। उस कन्या के माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जीवन का निर्णय ले रहे थे। हमने आप दोनों के विवाह का निर्णय भी आप दोनों की इच्छा के विरुद्ध लिया था। उस समय इस विवाह के लिए ना आप तैयार थे ना काशीबाई। पर आप क्या अब भी ये कहेंगे कि वो निर्णय गलत था? नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। वो मर्यादा थी, ये मजबूरी है। राऊ, आप हर पुरानी रीति का खंडन नहीं कर सकते। पुरानी रीतियां पुरानी दीवारों की तरह होती है आई साहिब। दोनों को या तो नया कर देना चाहिए या फिर गिरा देना चाहिए। अन्यथा किसी मासूम का जीवन नीचे दबकर बर्बाद हो सकता है आई साहिब। राहू, आपसे कोई तर्क नहीं कर सकती मैं, कठिन है, क्योंकि सिर्फ आप हमसे ही नहीं बल्कि पूरे संसार से उल्टी राह पर चल रहे हैं।
आज रात को उत्सव में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे पेशविन बाई को शर्मिंदगी महसूस हो। हो सकता है। अवश्य है साहिब। कवच पहन के रहना होगा। क्यों नंदनी? क्योंकि हृदय मात्र तलवार से ही नहीं कटते, सुंदरता से भी कट जाते हैं। कटार, बर्छी, तोप, जब ये सारे हथियार जनाना हो सकते हैं, तो हथियार चलाने वाले हाथ जनाना क्यों नहीं हो सकते? मुगलों ने बुंदेलखंड के तूफान तो बहुत देखे, पर बुंदेलखंड की बिजलियां आज उन पर पहली बार गिरेंगी। मुगलों ने हमारे भाईसा बुंदेलखंड के राजकुमार जगतराज को नहीं, बुंदेलखंड की आन, बुंदेलखंड के गैरत को अगवा किया है। आज हम अपने सम्मान को वापस लेकर आएंगे, या फिर उस सम्मान के लिए लड़ते लड़ते जान दे देंगे। साई भाव का कब से इंतजार कर रही थी, और भाव है कि उनके साथ समय बिताने की जगह अखाड़े में सैनिकों को दांव पेच सिखा रहे हैं। अरे, जीवन में मार पीट हिंसा के अलावा भी कुछ है कि नहीं? भाव हमारे जैसे नहीं है, जो युद्ध भी जानते हैं और प्रेम करना भी। ये राहु को दीजिएगा। ये हार राहु पर अच्छा नहीं लगेगा। ये ताई साहिब के लिए है। इसे राहु को दीजिएगा ताकि वो ताई साहिब को पहनाए, ताई साहिब प्रसन्न हो जाएगी। आपको पूरे संसार की प्रसन्नता की पड़ी है, लेकिन अपने पति की प्रसन्नता किस चीज में है ये आप नहीं पूछेंगे। जाइए ना। काका, आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दीजिएगा। पत्र तो मैं ले जाऊंगा बिहू,
पर ये पत्र भी उन्हें आज के उस समय ला नहीं पाएगा बेटा। काका आप कुछ भी करिए पर उन्हें यहाँ लेकर आइए। मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े उत्सव में मेरे पति की अनुपस्थिति मेरे परिवार और विशेषकर भाव के लिए कोई परेशानी खड़ी कर दे। वाह चिमा जी, जिसने आज तक हर युद्ध जीता है उसके लिए आप हार लेकर आए हैं। भाऊ ये हार आपके लिए नहीं वहिनी के लिए है, और ये हम नहीं रखमा लाई है। तो रखमा को कहिए काशी भाई को जाकर दे दे, मुझसे क्यों कह रहे? क्योंकि आपके देने में और किसी और के देने में अंतर है भाऊ। क्या अंतर है? अब आपको कैसे समझाए? आपको समझाने का बस एक ही उपाय है। क्या? ये आका भाई, आपके हाथ लोहे के है क्या? हमारा कंधा छिल गया। राव, ये हमारे लिए है। हो कितना सुंदर हार है। हमें तो लगा था आपको मात्र तलवारें पसंद करना आता है, योद्धा जो है, पर आपने हमारे लिए कितना सुंदर हार पसंद किया है। मैंने नहीं यार, रकमा ने पसंद किया है। रकमा ने चिम्मा को दिया, चिम्मा ने मुझे, ताकि मैं आपको दे सकूं और आपको अच्छा लगे। उन दोनों को आपकी प्रसन्नता की बहुत चिंता रहती है। और आपको? मैं भी नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचे। राव, हम जो हमेशा चाहते हैं ना, वो होता नहीं है। काशी भाई, आपकी आई साहब आई है। आई?
करो तुम। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चलिए। एक औरत के साथ हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा ना, कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ। तुझे बचाने औरतें आई हैं। वाह जगतराज वाह, तेरी मर्दानगी के सदके।